हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब भी हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन में गेम खेलते हैं ज़्यादा एमबी का या फिर ज़्यादा पावर का या फिर कुछ भी हम लोग करते हैं, तो आप देखते होंगे ये प्रॉब्लम आप लोग को शो होती होगी कि जो आपका जो फ़ोन होता है वो बहुत ही ओवर हीट होने लगता है, या फिर जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते होंगे, चार्ज करते होंगे, तो आप जब चार्जिंग देखते होंगे, चार्ज से निकालते होंगे, तो आपका जो फ़ोन होता है तब भी आपका फ़ोन बहुत ही ओवर हीट होता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। तो ये जो हमारे फ़ोन के लिए ये बहुत ही सेफ, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने, चूँकि हमारा जो फ़ोन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग सभी काम अपने फ़ोन के ज़रिए करते हैं, चूँकि आजकल सभी चीज़ ऑनलाइन हो चुके हैं। तो हमारे लिए फ़ोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जब हमारा फ़ोन हीट करता है तो हमारा काम कुछ नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सिर्फ एक सेटिंग आपको ऑफ करनी है, जिसकी वजह से जो आपका जो ओवर हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है फ़ोन का वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका फ़ोन हीट करता है, ओवर हीट करता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको आपको ओपन कर लेना है। हमारे मोबाइल की सेटिंग में बहुत सी ऐसी सेटिंग होती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, इसी में हमारे फ़ोन के ज़्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस छुपे होते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सेटिंग आज आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ उसी को आप यूज़ करेंगे तो आपके जो फ़ोन की जो ओवर हीटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो हर चीज़ में ओवर हीट करने लगती है, चाहे आप वो गेम खेल रहे हो, कोई भी कम एमबी का या फिर ज़्यादा एमबी का गेम खेल रहे हो, या फिर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन, तो जब आपका फ़ोन ओवर हीट होने लगता है तो आप उससे अपने प्रॉब्लम फ़ोन को आप सॉल्व कर सकते हो, फ़ोन की प्रॉब्लम को। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है, और फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग वाले ऑप्शन को आपको सर्च कर लेना है। सबके मोबाइल में ये वाला ऑप्शन होता है, या तो यहाँ लोकेशन वाले में होगा, यहाँ पे मेरे लोकेशन वाले पे जब मैं इसको इनेबल करूँगा तो यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च वाले में जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पे वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन होते हैं ये यहाँ पे ऑन रहता है, तो इसको आपको सिंपली ऑफ़ कर देना इस तरीके से, क्योंकि ये जो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन है, वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता, उतने काम नहीं आता, क्योंकि ये दोनों जब ऑन रहते हैं तो ये दोनों हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में रन करने रहते हैं, स्कैन करते बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो बहुत ही ओवर हीट करने लगता है, ओवर हीटिंग होने लगती है। तो ये दो सेटिंग अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इसको ज़रूर से ऑफ़ कर दे, जिससे आपका जो ओवर हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है आपके फ़ोन का वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और कोई भी आप ऐप यूज़ करेंगे या फिर कुछ भी यूज़ करेंगे फ़ोन में तो आपका जो फ़ोन है वो ओवर हीट नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।